दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर किया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 50 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन 800 मीटर की महिला और पुरुष वर्ग की दौड़ से शुरू हुआ। पुरुष वर्ग की दौड़ में रंजीत मौर्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि महिला वर्ग की दौड़ में स्नेहलता यादव ने जीत हासिल की। विजयी खिलाड़ियों को विद्यालय के प्राचार्य ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन समिति के पदाधिकारी, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अपनी इस प्रतिभा का नेशनल लेवल पर आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर, जो है सचिव क्रीड़ा परिषद, आपसे भी अनुरोध है कि आप कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव सर, हेमशंकर वाजपेयी, इस मीट में झंडारोहण कोचिंग में, फूड एंड न्यूट्रिशन जैसी तमाम सारी चीजों में हमसे कहीं आगे होते हैं और हमारे खिलाड़ियों का अदम्य साहस उनका, ऐसे तमाम सारे लोग बैक स्टेज होते हैं जो कि इन खिलाड़ियों को इस मुकाम पर लाने में मदद करते हैं। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम है फॉर द डेवलपमेंट विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, समझ की ओर आ रही है। धीरे धीरे टीमें सलामी मंच की ओर पहुंच रही हैं, काफी मंजा देते हुए सबसे आगे चल रही है पिछले वर्ष की टीम। मैं प्रांत के साथ सलामी मंच से गुजरने वाले खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कीजिए। उत्साह वर्धन की जरूरत इन्हें 3 दिन तक पड़ने वाली है और आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए हमारे प्रोफेसर विनय कुमार सिंह जी और डॉक्टर सुधाकर लाल श्रीवास्तव जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की टीम सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ आप इस टीम का मनोबल बढ़ाएं। सभी टीम के मैनेजर्स और कोच से अनुरोध है कि वो अपनी टीम के साथ मैदान में खड़े रहेंगे। मैदान में खूबसूरत गुब्बारे जो जीवन के विभिन्न रंगों को प्रस्तुत कर रहे हैं और नई उठाने और हमारे खिलाड़ियों ने ताली बजाकर स्वागत किया और हमारे टीम जिनके अन्य आचार्यगण, कर्मचारी बंधु, मीडिया पर्सनालिटी जो आए हुए हैं इवेंट को कवर करने के लिए और हमारे शहर के स्पोर्ट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली टीम, अन्य महाविद्यालयों से जो टीम आई है, उन सबको इस अवसर पर इस 3 दिवसीय एथलेटिक मीट पे जो स्पोर्ट्स अपने इनको के एथलेटिक परफॉर्मेंस दिखाना है, हम सब आप सबको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपना बेस्ट दें और स्पोर्ट्स आज के इवेंट में एक
कैरियर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें आप बहुत ही कम एज में, स्पोर्ट्स ही ऐसा है जो कि बहुत कम आयु में ही आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेम और फेम दोनों दिखाता है, और इसी विधा में 18, 20, 21, 22 साल में आप राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा सकते, क्योंकि ये ऐसा विधा है जिसमें हर व्यक्ति के हर स्पोर्ट्स पर्सन की जो मानसिक शक्ति है, जो उसकी शारीरिक शक्ति है, वो जब उत्कृष्ट होती है तभी वह अच्छा प्रदर्शन कर पाता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो पाता है। ये माना जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सनल, जो हमारे स्पोर्ट पर्सनलिटीज हैं, जो हमारे छात्र हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, वह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं, हार को आसानी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको हारना आवश्यक है, क्योंकि माइकल जॉर्डन जो कि बास्केटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्राप्त खिलाड़ी था, उसने भी कहा कि मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने इवेंट में काफ़ी सारे हार का सामना किया, लगभग 9000 शॉट्स हमने मिस किए, 300 इंटरनेशनल इवेंट्स में टीम में मैं हारा, लेकिन हर हार ने मुझे प्रोत्साहित किया और बेहतर करने का और अपने को बेहतर बनाने का अवसर हार से ही मिलता है। तो हम स्पोर्ट्स की ऐसी है जिससे खिलाड़ी हार से निराश नहीं होता और बेहतर करने के लिए उत्साहित होता है। तो हम इस इवेंट में जो हमारे विभिन्न महाविद्यालयों से आए हमारे जो छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे विद्यालय के जो छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपस में एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना करके और बेहतर करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जैसा कि प्रेसिडेंट जी मानसू जी ने बताया कि गौरव विश्वविद्यालय ने गत वर्षों में काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, अब क्रॉस कंट्री जो इवेंट है जिसमें लगभग 182 विश्वविद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें भारत का गौरव विश्वविद्यालय का स्थान अब 10वां आ गया है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ से जो हमारे क्रीड़ा संकुल के जो हमारे डेडिकेटेड टीम है, मैं उसको हृदय से साधुवाद देता हूँ कि उसके रात दिन के मेहनत के बाद ही एक खिलाड़ी निखर पाता है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर निखरता है तो उसके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छे कोचेज होने चाहिए, और तब जाके खिलाड़ी के अंदर जो प्रतिभा हुई प्रतिभा होती है वो निखर के आती है। और प्रतिभा को निखारने के लिए जब सारी सब लोग एक साथ मिलकर एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो खिलाड़ी निखर के आता है और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम या देश का नाम या प्रदेश का नाम रोशन करता है। मैं इस अवसर पर यहाँ अन्य जो खिलाड़ी अभी अभी टीम जो अभी आई हैं अभी आने वाली हैं उनका जो अभी फ्लैग मार्च में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई इसी वजह से, और जो भी और टीम बढ़ी है उसको बताया गया कि 50 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारे इस एथलेटिक मीट में, उनको भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आज के इवेंट के बाद और मोटिवेट होंगे और बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारा देश शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो सुविधाएं उतनी नहीं थी, फिर भी मीठा सिंह पीटी ऊषा जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ने देश का नाम रोशन किया, और अभी हाल में जो एशियन गेम्स आयोजित किए गए इंडोनेशिया के जकार्ता में इंडिया का स्थान बेस्ट रहा, देखा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया ने दिया। और अगर ये 800 मीटर महिला संबंधी दौड़ प्रारंभ हो चुकी है, महिला प्रतिभागी तेजी से ट्रैक में दौड़ती हुई और इसकी हौसला अफजाई करें, 800 मीटर दौड़ को पूरा करने का प्रयास करती हुई हमारी महिला धावक महिला धावकों का को प्रेरणा दीजिए, तेजी से दौड़ को पूरा करती हुई महिला धावक और थोड़ी देर में 800 मीटर महिला संबल की दौड़ भी संपन्न हो जाएगी। पीजी कॉलेज भट्टी के विद्यार्थी हैं और तृतीय स्थान पर है गुरुकुल महाविद्यालय बहरगंज के राकेश यादव जी, जिन्होंने तृतीय स्थान पर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, साथ में रजनीकांत पांडे सर जो सिद्धांत के हैं गुरुकुल पीजी कॉलेज दतरी बहरगंज।
ऐसा प्रथम स्थान प्राप्त किया श्रीलता यादव जी ने, प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप सभी प्रोफेसर हेमचंद्र वाजपेयी जी।